राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता एक बार फिर उनका जो गुस्सा है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो गुस्सा एक्सप्रेस करने का इनका आज तरीका है वो ये है कि ये जो अर्थी आप देख रहे हैं, ये अर्थी लेकर जा रहे हैं और इसके ऊपर कई नाम लिखे हुए हैं इस अर्थी के ऊपर। यहाँ पर दूसरी तरफ वी सपोर्ट अनन्या जम्वाल, ये भी एक प्ले कार्ड पे यहाँ पर लिखा है। आप देखें कि यहाँ पर जो ये अर्थी है, अर्थी के ऊपर कई नाम है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है TRF, उसके बाद URF, उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती का नाम है, महबूबा मुफ्ती के साथ मुजफ्फर शाह का नाम है, मुजफ्फर शाह के साथ और भी कई नेता हैं, उनका नाम है। दरअसल हम आपको बता दें, जब से घाटी में वो वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं, जिसमें एक तरफ जो पाक की जीत हुई थी क्रिकेट मैच में, उसकी विक्ट्री की सेलिब्रेशन कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे थे, जिनके ऊपर एक्शन भी लिया गया, एक मैसिव एक्शन लिया गया, UAPA एक्ट के तहत उनको बुक किया गया। उसके बाद कल भी आपको हमने एक अपडेट दिया था जिसमें ये बताया था कि एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया गया है, और भी जो एक्शन हैं वो लिए जा रहे हैं। ये अर्थी जो है यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हाथ में है, और ये एक जोरदार प्रदर्शन इनके द्वारा आज जम्मू के बस स्टैंड में किया जा रहा है। साफ और साफ हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी, इस तरह की चीजें सामने आई थी, तो प्रदर्शन की शुरुआत की गई थी और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना गुस्सा जो है इसके ऊपर दिखाया। और एक बार फिर आप देखें कि जो आज इनका गुस्सा जाहिर करने का तरीका है, अर्थी लेकर ये यहां पर जा रहे हैं। जिस तरह जब गवर्नमेंट ने एक मैसिव एक्शन लिया, उसके बाद आतंकी तंजीम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट द्वारा भी एक धमकी भरी जो लेटर है वो जारी की गई, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट आया, उससे भी कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो इन लोगों का देखने को मिल रहा है। द्वारा किया जा रहा है उन नेताओं के लिए जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो, ट्वीट के जरिए हो, क्योंकि जहां एक तरफ हर कोई इसको अपोज कर रहा था, अपोज करने के बाद जब एक्शन लिया गया, तो उस एक्शन के बाद कुछ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन ट्वीट पे हुआ, और अब यहाँ पे आपको ये जो तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं, ये जम्मू के बस स्टैंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये जो अर्थी है ये लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे।
एक बार फिर जो व्यूवर्स हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि ये राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और इनके द्वारा जो इनका गुस्सा है वो आज जाहिर किया जा रहा है। अब देखें कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है आप देखें कि नारे लगा रहे हैं आतंकी तंजीम TRF जो शो कॉल्ड आतंकी तंजीम है उसके खिलाफ नारेबाजी और आपको बता दें कि ये जो पूरी जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है दरअसल जब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो एक्शन है स्ट्रिक्ट एक्शन जो था वो लिया गया था और उसके बाद से आप देखें कि जो तमाम अलग अलग लीडर्स हैं जिनकी अपनी आइडियोलॉजी है उनके द्वारा अपना जो एक व्यू था जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो ट्विटर हो या फिर वर्बली हो तो ये जो रिएक्शन था वो उसका देखने को मिला और एक रिएक्शन ये भी है कि प्रदर्शन जो था इसी जगह पर आपको अगर हम 3-4 दिन पहले लेकर जाएं तो इसी जगह पर ये प्रदर्शन हुआ था और उस चीज को अपोज कर रहा था हर कोई। तो यहाँ पर एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो गुस्सा है राष्ट्रीय बजरंग दल का वो आप साफ देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो सेलिब्रेशन है वो क्यों की गई, क्योंकि जिस नेशन में आप रह रहे हैं उस नेशन में आपने इन फ्यूचर सर्व भी करना है और चाहे कोई भी डोमेन हो लेकिन आखिर क्यों देखिए जिस प्रकार से लगातार उन लोगों को डिफेंड किया जा रहा है तो देशद्रोही हैं, जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के जीतने के ऊपर उस सेलिब्रेशन किया, उनके समर्थन में आज कश्मीर के तमाम नेता जो हैं वो खड़े हो गए हैं। यह सामने क्लियर हो गया है कि जो देशद्रोही का साथ देगा वो देशद्रोही है। तो अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इनके चेहरे सारे जिन इनके निकाब थे वो बेनिकाब हो चुके हैं। ये सामने आ गए, ये देशद्रोहियों का साथ देने वाले हैं। हम कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं कि ये लोग देशद्रोहियों का साथ देने वाले नेता हैं। आज तारागामी, मुजफ्फर शाह, महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी और कई नेता जम्मू के भी जो है वो इन देशद्रोहियों के समर्थन में आए हैं। हम उन
सभी का आज यहाँ पर नड़वा निकाल कर उनका आज हम यहाँ पर दयन करेंगे। राकेश महबूबा मुफ्ती ने कल भी देशद्रोहियों को गोली मिलनी चाहिए, देशद्रोहियों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, देशद्रोहियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में देश के लिए और खतरा पैदा करेंगे। कल भी महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि आज पूरा देश अनन्या जम्वाल के साथ खड़ा है और राष्ट्रीय बजरंग दल उसके समर्थन में भी है कि अनन्या जम्वाल को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए और उसको वहां से ट्रांसफर करके यहां पर एमबीबीएस की डिग्री दिलाई जाए और अनन्या जम्वाल को डरने की जरूरत नहीं। आज पूरा देश जो है वो अनन्या जम्वाल के साथ है। बच्चे स्किम्स में पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? क्या देखिए, ये सरकार ने सोचना है कि जब ये कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है देश, तो फिर वहां पर बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते, बाकी स्टेट के लोग वहां क्यों नहीं जा सकते? ये सरकार ने सोचना है। तो सपोर्ट कर रही है महबूबा, तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन वकार यूनिस ने ये कहा था कि मोहम्मद रिजवान ने मैच खत्म होने के बाद हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी, क्या महबूबा मुफ्ती इसको भी सपोर्ट करेंगी? देखिए, महबूबा मुफ्ती ने बोलना चाहिए ना फिर उसके अंदर भी, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो केवल देशद्रोहियों के समर्थन में आ रही है, उसके अलावा उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। हम बोलते हैं कि महबूबा मुफ्ती जब तक भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलती तब तक राष्ट्रीय बजरंग दल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। देशद्रोहियों को तो बार बार सपोर्ट कर रही है लीडर्स, क्या इन लीडर्स के ऊपर नहीं एक बार फिर से पीएसए लगाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं कह देता हूँ कि जब इन लीडरों के ऊपर पीएसए लगा तो सारी शांति थी, डेढ़ साल तक इस ना तो कोई पत्थरबाजी हुई, ना कोई प्रदर्शन हुए, किसी प्रकार की भी कोई भी घटना जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं, आतंकवाद बिल्कुल समाप्त नजर आ रहा है। जब से ये नेता जो है पीएसए के तहत जो बाहर आए हैं तब से आतंकवाद में भी बढ़ावा हुआ, देशद्रोही घटनाओं में भी सामने आ रही है और लगातार जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है हमें इन नेताओं को इसके लिए सिंपैथी दिखाना, क्या लगता है कि उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट है? क्या हमारे देश के संविधान में ये है कि जो देशद्रोही का समर्थन करेगा वो भी देशद्रोही माना जाएगा? जब चोर के साथ जाने वाला व्यक्ति चोर होता है तो देशद्रोही का समर्थन करने वाला व्यक्ति देशद्रोही क्यों नहीं हो सकता? इसलिए जो देशद्रोहियों का समर्थन करेगा वो भी देशद्रोही है। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं इन लोगों को तिहाड़ जेल के पीछे डाला जाए, क्योंकि अगर इनको नहीं डाला जाएगा ये माहौल और खराब करेंगे। ऐसा तो नहीं कि राजनेता जो है ये माहौल खराब कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सीधा सीधा क्लियर है कि जब ये लोग अंदर बंद थे कोई भी किसी प्रकार की भी कोई घटना जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई। क्या इनकी सही जगह जेल है? बिल्कुल, इनकी जगह जेल के अंदर है और जो देशद्रोही है उनको गोली मिलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जो देश के खिलाफ बोलेगा उसको गोली मार देनी चाहिए। देश के राकेश बजरंगी और राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है